शासकीय हकीम सैयद जिया उल हसन यूनानी महाविद्यालय में इस वक्त अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें जूनियर डॉक्टर द्वारा यह बताया कि इन्होंने अपनी मांगों जैसे आयुष के इंटर्निज, गृह चिकित्सक और पीजी स्कॉलर के स्टाइपेंड को बढ़ाया जाए एवं इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से लिंक कराया जावे ताकि प्रतिवर्ष इसमें वृद्धि होती रहे। यूनिवर्सिटी द्वारा परीक्षा अपने समय पर आयोजित हो, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष नई नियुक्तियां की जाए और मेडिकल लीव को पेड किया जाए को लेकर शासन को विगत एक माह से अवगत कराया है, परंतु आयुष के छात्रों की मांगे पूरी नहीं की गई। इसके बाद आयुष के छात्रों द्वारा काली पट्टी बांधकर साइलेंट विरोध भी दर्शाया गया है, परंतु फिर भी जब मांगे पूरी नहीं हुई तो आयुष छात्रों ने विवश होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें उनका कहना है कि जब तक उनकी ये मांगे शासन पूरी नहीं करेगा तब तक वह किसी भी तरह का क्लिनिकल या शैक्षिक काम नहीं करेंगे। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। समस्या ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हमारा जो स्टाइपेंड है वो आज भी बहुत ही कम है, तो इसकी मांग को लेकर और दूसरे यहाँ पर इंटर्नशिप वाले हैं उनकी भी काफ़ी कम है, हाउस पोजिशन है उनकी भी कम है, कई सारी और डिमांड्स हैं, जैसे कि हमारा जो वक्त पे हमारे एग्जाम्स नहीं होते हैं, तमाम और भी मुश्किल जो हमें आ रही हैं। यहाँ आपने अपनी मांगों को लेकर किन किन जिम्मेदार से बात हो चुकी है आपकी? हमारे यहाँ पर हमने जो ज्ञापन अपने दिए हैं वो वल्लभ भवन में, वित्त विभाग को, तो आयुष विभाग को, उन्होंने अपनी ज्ञापन। तो क्या आश्वासन मिली आपको वहाँ से? अभी तक तो हमें किस तरह की कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं मिला है, इस वजह से हम यहाँ पर आज खत्म होने वाला है, तो क्या लग रहा है आपको, क्या क्या हमें उम्मीद है हमारी सरकार से, मामा की सरकार से, कि वो हमारे लिए कुछ बेहतर सोचेंगे और हमारा जो मांगे हैं उसको पूरी करेंगे। डॉक्टर को कहा जाता है कि दुनिया का भगवान कहा जाता है, जमीन ये भगवान आज खुद अपनी समस्या लेकर पसंद किया। हाँ, यही तो धारणा तो यही है कि भगवान कहा जाता है, लेकिन अगर खुद ही भगवान परेशान है, अगर जैसा कि लोग कहते हैं कि भगवान है, तो अगर भगवान परेशान है तो फिर कौन खुश हाल होगा? तो फिर ये भगवान जो है कि अपना ये प्रकोप दिखाएंगे, ये अपना ये भगवान जो है अपना प्रकोप दिखाएंगे? प्रकोप नहीं है, हमारी खुद की अपनी सरकार है, हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने और माने। अगर नहीं मानती है आपको बातचीत नहीं होती है तो उसके बाद हम मुझे फैसला लेंगे आगे क्या करें, ये फैसला कब तक करेंगे? ये फैसला हमें लगता है बहुत ही जल्द हमारी मांगे सब चीज़ें, इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो ये वेटिंग बाद कब तक चलता रहेगा आपको? अभी हमें लगता है एक दो दिन के अंदर हमारी मांगें पूरी हो जाएगी, अगर नहीं होती तो उसके बाद हम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।